पर मध्य रात्रि मंत्री के निवास पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वे सब जंगल की गुहार लेकर आए थे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले की पूरी जानकारी ली। सभी ग्रामीण गरियाबंद जिले के मैनपुर के रहने वाले थे। आदिवासियों की बात पूरी गंभीरता से सुनने के बाद मंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए और साथ में जंगल बचाने की मांग करने के लिए सभी ग्रामीण पहुंचे थे। ग्राम पंचायत खनोरा पीपलखुंटा के ग्रामवासियों ने मोहम्मद अकबर को बताया कि राजपुर हल्दी कछार पूरी पथरा कुसमरकरिया के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई जमकर चल रही है, जहां अवैध तरीके से पड़ोसी राज्य उड़ीसा के लोगों को बताया जा रहा है। इसके पीछे वन विभाग के ही अधिकारियों का हाथ है। सैकड़ों की संख्या में गरियाबंद जिले के मैनपुरी इलाके में रहने वाले, वहां के जंगलों में रहने वाले आदिवासी और दूसरे समुदाय के लोग यहां पे पहुंचे हैं। इन लोगों ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से गुहार लगाई है। गुहार है जंगल बचाने की, और जंगल बचाने की गुहार उड़ीसा के लोगों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से, जो हजारों एकड़ की जंगल को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। इनका कहना है कि ये खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। इन लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और अब उड़ीसा के लोग इन्हें धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और इसी बात को लेकर के, कार्रवाई की मांग को लेकर के एक बार फिर से ये वन मंत्री के पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं, क्या मामला? कमल से है साहब, मैं ग्राम पंचायत धनोरा से आते हैं, विकास खंड मैनपुर है साहब, जिला गरियाबंद है सर। तो मैं जंगल बचाने के लिए आए हैं सर, और जंगल सुरक्षा ठीक करके मैं रखूंगा बोल के आए हैं सर, और जल और जमीन और जीवन जो है हमारा है साहब, उसको हम बचाने चाह रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ के जंगल को उड़ीसा के लोग आकर के काट रहे हैं, उसके बाद वहां की जमीन पट्टे के नाम पर बेची जा रही है, उड़ीसा के लोगों को बसाया जा रहा है, वो लोग फसल ले रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ के लोग विरोध करते हैं तो उस मामले में इनको डराया धमकाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि वन मंत्री से इन्होंने शिकायत की और वन मंत्री ने बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में वन के बड़े अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में करने जा रहे हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।